नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड और आज है 23वां यानी कि त्रयोविंशः सर्ग। और आज राक्षसियां सब मिलकर सीता को समझा रही हैं, क्योंकि पिछली बार जब रावण आया था सीता ने भी उसे समझाया था, लेकिन धमका कर, खरी खोटी सुनाकर 2 महीने का वक्त देकर चला गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रु रावणः संदिश्य च ततः सर्वा राक्षसीर निर्जगामः। निष्क्रांते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तः पुरं गते राक्षस्यो भीमरूपास्ताः सीताम समभिदुद्रुवुः। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः परम परुषया वाचा वैदेहीमिदमब्रुवन् पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीतेना बहुमन्यसे। ततस्त्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् आमन्त्र्य क्रोधतां राक्षी सीतां करतलोदरी। तो शत्रुओं को रुलाने वाला राक्षस राज रावण 2 महीने का वक्त दे गया है कि यदि 2 महीने में सीता न मानी तो वो उनके भी टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। और सब राक्षसियों को भी निर्देश दे गया कि वो सीता को समझाने का प्रयास करें और उन्हें वश में लाने का आदेश देकर पुनः वो अपने अंतःपुर लौट गया। तो अशोक वाटिका से जब रावण निकल गया तब वहाँ जो भयानक रूप वाली राक्षसियाँ थीं वे सब चारों ओर से दौड़ती हुई सीता के पास आ गई। विदेह कुमारी सीता के समीप आकर क्रोध से व्याकुल हुई उन राक्षसियों ने अत्यंत कठोर वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। बोली, सीते तुम पुलस्त्य जी के कुल में उत्पन्न हुए सर्वश्रेष्ठ दशग्रीव महामना रावण की भार्या बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझती हो, क्यों इस सुवर्ण अवसर को ठुकरा रही हो। तत्पश्चात एक जटा नाम वाली राक्षसी ने क्रोध से लाल आंखें करके कृशोदरी सीता को पुकार कर कहा, प्रजापति नाम षण्णाम तु चतुर्थो अयम प्रजापति मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः। पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसः सुतः नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापति समप्रभः। तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावणः शत्रु रावणः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। मयोक्तं चारु सर्वांगी वाक्यं किं नानुमन्यसे। ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यम ब्रवीत् विवृत्य नयने कोपान मार्जार सदृशे क्षणा येन देवास्त्रय त्रिंशत् देव राजश्च निर्जितः। तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। वीर्योत्सिक्तस्य शूरस्य संग्रामेश्व निवर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वं किं न लेप्ससे। तो एक जटा नाम वाली
जो राक्षसी है वो अब सीता जी से कह रही है कि हे विदेह कुमारी, पुलस्त्य जी 6 प्रजापतियों में चौथे हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इस रूप में उनकी सर्वत्र ख्याति है। तो 6 प्रजापति कौन हैं? मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु। ये 6 प्रजापति हैं और पुलस्त्य जी उनमें से एक हैं। और पुलस्त्य जी के मानस पुत्र तेजस्वी महर्षि विश्रवा हैं। वे भी प्रजापति के ही समान प्रकाशित होते हैं। तो हे विशाल लोचने, ये शत्रुओं के रुलाने वाले महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं और समस्त राक्षसों के राजा हैं। तुम्हें इनकी भार्या बन जाना चाहिए। हे सर्वांग सुंदरी, मेरी इस कही हुई बात का तुम अनुमोदन क्यों नहीं करती हो? इसके बाद बिल्ली के समान भूरे आंखों वाली हरिजटा नाम की जो राक्षसी थी, उसने क्रोध से आंखें फाड़ कर कहना आरंभ किया। अरे, जिन्होंने 33 देवताओं तथा देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया है, उन राक्षस राज रावण की रानी तो तुम्हें अवश्य बनना चाहिए। उन्हें अपने पराक्रम पर गर्व है। वे युद्ध से पीछे न हटने वाले शूरवीर हैं और ऐसे बल पराक्रम संपन्न पुरुष की भार्या तुम क्यों नहीं बनना चाहती हो? हिंदू धर्म में लोग अक्सर कहते हैं 33 करोड़ देवता, तो 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के देवता हैं और वो हैं 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। प्रियां बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासां च महाभागां त्वामुपैश्यते रावणः समृद्धं स्त्री सहस्रेण नानारत्नोपशोभितं अन्तःपुरं तदुत्सृज्य त्वामुपैश्यते रावणः अन्यातु विकटा नाम राक्षसी वाक्यम अब्रवीत असकृत भीम वीरेण नागा गंधर्व दानवाः निजिताः समरे येन साते पार्श्वम् उपागतः तस्य सर्व समृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमर्थम राक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वम् नेच्छसे अधमे। तो वही हरिजटा नामक राक्षसी आगे कह रही है सीता से कि महाबली राजा रावण अपनी प्रिय और सम्मानित भार्या मंदोदरी को भी, जो सबकी स्वामिनी है, छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। तुम्हारा कितना महान सौभाग्य है, वे सहस्रों रमणियों से भरे हुए और अनेक प्रकार के सहस्रों रत्नों से सुशोभित उस अंतःपुर को छोड़कर तुम्हारे पास आ रहे हैं। अतः तुम्हें उनकी प्रार्थना मान लेनी चाहिए। तदनंतर विकटा नाम वाली एक दूसरी राक्षसी ने सीता से कहा कि जिन भयानक पराक्रमी राक्षस राज ने नागों, गंधर्वों और दानवों को भी समरांगण में बारंबार परास्त किया है, वे ही तुम्हारे पास पधारे थे। तो ये नीच नारी उन्हीं संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न महामना राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हें क्यों इच्छा नहीं होती है? ततस्ताम दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यम अब्रवी यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य समारुतः नावाति स्नायतापांगी किम त्वम तस्य नातिष्ठसे पुष्पवृष्टिम चातरवो मुमुचुर्यस्व वै भया शैलाह सुश्रुवुः पानीयम् जलदाश्च यदेच्छति तस्य नैरृत राजस्य राजराजस्य भामिनी किं त्वं न कुरुषे बुद्धिं भार्याथे रावणस्य हि साधुते
तत्वतो देवे कथितम साधु भामिनी गृहाण सुस्मिते वाक्यम अन्यथा न भविष्यसि। कि हे विशाल लोचने, जिनसे भय मान कर सूर्य तपना छोड़ देता है और वायु की गति रुक जाती है, उनके पास तुम क्यों नहीं रहती? हे भामिनी, जिनके भय से वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं और जो जब इच्छा करते हैं तभी पर्वत तथा मेघ जल का स्रोत बहाने लगते हैं, उन्हीं राजाधिराज राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हारे मन में क्यों विचार नहीं आता है? हे देवी, मैंने तुमसे उत्तम यथार्थ और हित की बात कही है। सुंदर मुस्कान वाली सीते, तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। तो राक्षसियों ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है जो रावण निर्देश देकर गया था। तो यहाँ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 23वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे त्रयोविंशः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम।